भागवत जी का एक विवादास्पद बयान आया है। उन्होंने कहा है कि मदर टेरेसा सेवा जरूर करती थी, लेकिन उसके पीछे उनका उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाने के लिए होता था। आरएसएस भी सेवा करने की बात करता है, लेकिन उसका भी तो उद्देश्य संविधान विरोधी ही न है। संविधान में तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वो तो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। उनकी परिकल्पना में तो हिंदू राष्ट्र है, धर्म आधारित राज्य है, तो वो उसके पीछे भी तो जो छिपा हुआ, उनकी सेवा के पीछे जो छिपा हुआ है, वो तो बहुत ही काबिले एतराज है। आरएसएस से तो आज से नहीं, जब से उसकी पैदाइश हुई है, जब से उसका जन्म हुआ है, तब से लगातार समाज में घृणा पैदा करने का काम उसने किया है, और कोई ऐसा मौका वो नहीं छोड़ते हैं जिससे समाज में विभाजन हो। और मदर टेरेसा के बारे में इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना या इस तरह का विचार रखना, मैं समझता हूँ कि बहुत ही निंदनीय है। मदर टेरेसा की जो सेवा रही है, ख़ास तौर पर मानवता से, किसी धर्म विशेष से नहीं, और उसके लिए उनको सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला, और उसके बाद उन पर इस तरह का आरोप लगाना या उनको किसी धर्म विशेष का पैरवी करने वाला बताना, मैं समझता हूँ कि ये न सिर्फ उनके साथ बल्कि पूरे जो हमारा एक सामाजिक ढांचा है उसके साथ अन्याय होगा। मदर टेरेसा सेवा और समर्पण की मूर्ति हैं, उनके विरुद्ध टिप्पणी करना अपमानजनक है। मदर टेरेसा पर जो रिमार्क है, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि भारत रत्न है, और इस देश के गरीबों के लिए, कुष्ठ रोग से पीड़ित लोगों के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया है, बजाय उसके की सराहना की जाए, उनके मरने के बाद मरणोपरांत इस तरह के वक्तव्य देना, और अगर मदर टेरेसा ने कराया था तो फिर जो है, जो भाजपा के नेता जब उनकी मृत्यु हुई थी तो क्यों शोक संवेदना प्रकट करने गए थे, क्यों शोक संवेदनाएं प्रकट की थी, मंत्री तक भेजा गया था जब वो बीमार थी यहाँ पे वाजपेयी जी की सरकार में। तो ये जो है कैसा विषय है कि जिसमें जो है मुझे लगता है कि भाजपा नेतृत्व को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। मदर टेरेसा को इस तरह घसीटना और उनकी इस तरह से निंदा करना पूरी तरह से गलत है।